अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई, वो भी बहुत ही इंस्टेंट मेथड से, और एकदम परफेक्ट आपका चिकन फ्राई बनेगा। जब हम चिकन फ्राई बनाते हैं ना, तो मन में एक डाउट ज़रूर रहता है कि ऐसा ना हो चिकन अंदर से कच्चा रह जाए, या फिर ऐसा ना हो चिकन में पकने के बाद भी ब्लड वगैरह आ जाए। तो इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे ना, इतना परफेक्ट, इतना बेहतरीन आपका चिकन फ्राई बनेगा ना कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले 1 किलोग्राम मैंने चिकन ड्रमस्टिक्स लिए हैं, और इनमें गहरे कट्स लगा लीजिएगा। 2 से 3 कट आपको हर ड्रमस्टिक पर लगाना है, और ये रेसिपी आप नॉर्मल चिकन के पेस्ट में ही बना सकते हैं। अब इसको इतने पानी में डाल दीजिएगा कि ये डूब जाए। 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून सिरका डालकर 1 घंटे इसको छोड़ दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, चिकन अंदर से बिल्कुल फीका नहीं रहेगा, बहुत टेस्टी आपका चिकन बनेगा। अगर टाइम होता है तो ये प्रोसेस ज़रूर कराया करें। अब 1 घंटा ब्राइनिंग के बाद 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे चिकन, और आपको बहुत ज़्यादा फिर इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें पीसना है। 2 इंच की अदरक, 7-8 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन के क्लोव्स, इनको या तो खलबट्टे में दरदरा कूट लीजिएगा, या फिर मिक्सी में दरदरा पीस लीजिएगा। हमें जो इसको रखना है ना, थोड़ा सा दरदरी साइड पर रखना है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ताज़ा यूज़ करिएगा, फ्रेश बनाकर तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चिकन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा दरदरा सा पेस्ट तैयार हो गया है। पीसते टाइम पानी मत डालिएगा, ज़रूरत हो तो 1 टीस्पून डालकर पीस लीजिएगा। अभी इसको साइड में रखते हैं। अब जो चिकन मैंने अच्छे से धो लिया था ना, उसको मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और इसके साथ 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, क्योंकि जब ये पकना शुरू होगा ना, तो चिकन भी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ कर देगा। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो फिर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस 2-3 टेबल स्पून पानी मैंने डाला था। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट कर लेते हैं, और जब खूब अच्छे से उबाल आ जाएगी ना इसमें, तो हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको 8 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो चिकन है ना 60-70% कुक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकते हुए तकरीबन 4 मिनट अभी हुए हैं, और आप देख रहे हैं चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से एक मिक्स देंगे इसको, फिर से ढक देंगे और 4 मिनट और पकाएंगे। कुल मिलाकर 8 मिनट पकाना, इससे ज़्यादा मत पकाएगा। तो तकरीबन 8 मिनट हो गए थे। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। या तो ये जो पानी दिख रहा है आप हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा चम्मच मत चलाएगा, या फिर आप इस पानी को ना ड्रेन भी कर सकते हैं, किसी बोल में पलट लें और किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं इस पानी को। मैंने हाई फ्लेम पर ड्राई किया था। बस ड्राई करते टाइम ये करिएगा ना, चम्मच ज़्यादा मत लगाएगा, वरना चिकन जो है वो टूट सकता है, या फिर उस पानी को आप छान कर अलहदा रख सकते हैं। अभी जो चिकन है ना, इसको एक प्लेट में पलट कर पंखे के नीचे रख दीजिएगा। इसको रूम टेम्परेचर पर ले आना है, ठंडा कर लेना है। इस दरमियान हमें एक मैरिनेट तैयार कर लेना है। कुछ मसाले लेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है, और 1.5 टीस्पून है चाट मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, और चाट मसाले में भी नमक है, तो नमक एहतियात से डालिएगा। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में जो हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है दरदरा सा, वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप दही। और 2 टेबल स्पून डालेंगे बेसन, ये बगैर भुना हुआ बेसन है। और 2 टेबल स्पून डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, या फिर मैदा डाल सकते हैं आप, और चाहें तो 1 टेबल स्पून चावल का आटा भी आप इसमें डाल सकते हैं इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए, लेकिन ऑप्शनल है चावल का आटा। अब डाल देंगे इसमें 2 नींबूओं का रस। तो खटास जो है ना इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाती है फ्राई चिकन में, तो नींबू का जो रस है ये आपको तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेना है। खूब अच्छे से मैंने यहाँ पर नींबूओं को निचोड़ दिया है। अब इन मसालों को हमें मिक्स करना है। अगर आपने दही नहीं डाला है तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल दीजिएगा, और उसके बावजूद अगर आपने दही डाला है और आपको एक गाढ़ा लग रहा है तो 1 टेबल स्पून इसमें पानी डालिएगा। इसका हमें एक गाढ़ा सा मैरिनेट तैयार करना है, जिस तरह का आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए, जिससे चिकन पर अच्छे से लिपट जाएगा। अगर पतला होगा तो अच्छे से नहीं लिपट पाएगा। यहाँ पर चिकन के पीसेस ठंडे हो गए, तो अब हमें इसमें चिकन के पीसेस डालने हैं, और खूब अच्छे से इस मैरिनेट को चिकन के हर पीस पर अप्लाई करना है, क्योंकि 60-70% गला हुआ चिकन है, तो बहुत हल्के हल्के हाथों से मिलाइएगा। इससे जो आपके पीसेस हैं ना वो सलामत रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुक हो गए थे तो वो टूट गए। बिल्कुल जेंटल हाथ से आप इस मसाले को चिकन के पीसेस पर अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा जो मैरिनेट है ना चिकन पर अप्लाई हो चुका है, अब आप इसको डायरेक्ट फ्राई कर लीजिएगा। तो आपने देखा, इसमें आपको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम ब्राइनिंग का प्रोसेस कर लेते हैं ना, तो फिर कुकिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें मैरिनेशन नहीं करना होता है। और यहाँ तो मैंने डायरेक्ट ही फ्राई किया है चिकन को। अब यहाँ पर जो तेल था ना, प्रॉपर मीडियम हॉट था, एकदम बहुत तेज़ गर्म तेल नहीं होना चाहिए, वरना मसाला एकदम से डार्क हो जाएगा। और अभी हमारा जो चिकन है 70% ही कुक है, तो हमें क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए।
फौरन टच मत करिएगा जब मसाला जो है ना थोड़ा सा फर्म हो जाए, उसके बाद ही इसके साइड्स को बदलिएगा, और साइड्स को बदलते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। धीमी आंच पर नहीं पकाना है, वरना फिर जो चिकन है ना ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब अच्छा सा कलर आने लगेगा, 4-5 मिनट में जो 30% रह गया था ना वो भी कुकिंग हो जाएगी, मसाला भी फर्म हो जाएगा इसके ऊपर और क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो लास्ट में चाहे तो 1 से 2 मिनट गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा, जिससे कि क्रिस्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 ही मिनट मैंने इसको फ्राई किया, खूब अच्छे से मसाला फर्म हो चुका है और जो कुकिंग थी 30% के करीब वो भी हो गई है चिकन की, और हमारा बहुत ही डिलीशियस एकदम क्रिस्पी बहुत टेस्टी अंदर से जूसी चिकन फ्राई बनकर तैयार है। यहाँ पर ये जो चिकन फ्राई है मैंने चिकन ड्रमस्टिक्स में बनाया है, लेकिन बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको ड्रमस्टिक्स लेनी है, आपको नॉर्मल चिकन के पीसेस में लेकर भी सेम रेसिपी को आप बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं निहायत ही आला किस्म का हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार हुआ है, एकदम गर्मा गर्म और एकदम इंस्टेंट। आप इसको सर्व करिए, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अगर मेहमान आ रहे हैं ना तो पहले से बॉईल करके चिकन रख लें और मैरिनेट बाद में बना लें जब मेहमान आए, और उसी टाइम आप मैरिनेट में इसको लपेट कर फ्राई कर सकते हैं। तो एक क्विक सी रेसिपी है चिकन फ्राई की, बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है, तो आपके मेहमानों को वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और बस सर्व करते टाइम इसमें चाट मसाला छिड़क लीजिएगा लास्ट में, और नींबू का रस निचोड़ कर अगर आपको पसंद है तो इसमें ऊपर से डालिए, और प्याज के लच्छों के साथ सैलेड के साथ आप इसको सर्व करिए। इसके साथ आप चिकन फ्राई के साथ सर्व होने वाली चटनी बना सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी जाती है। तो और अंदर से भी आप देख सकते हैं इतना जूसी है, इतना टेस्टी है चिकन फ्राई बना था ना कि जिसने भी खाया बस खाता ही रह गया, हर किसी को बहुत पसंद आया, और आप बनाएंगे ना तो आपको भी बेहद पसंद आएगा। तो इस आसान से चिकन फ्राई की रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।